हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं मटन कीमा से कच्चा टिकिया बनाने जा रही हूँ, कच्चे का टिकिया। तो कीमा हमारे पास है आधा किलो, हाफ के जी कीमा है ये। इसमें मुझे क्या क्या डालना है मैं वो बता रही हूँ। लहसुन है 6 से 7 जगह है, 1/4 इंच अदरक है, 5 हरी मिर्च है और 1.5 प्याज है, 1.5 अच्छे मतलब बड़े साइज का है। इसको मैं उसमें चॉपर में डाल के दरदरा कर लूँगी। ऐसी में एक मुट्ठी धनिया का पत्ता भी डाल दूँगी, ये धनिया पत्ता धो के रखा है ये भी डाल दूँगी। इसे भी चॉपर में डाल के दरदरा कर लूँगी। ये मैंने चॉप कर लिया, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया का पत्ता। देखिए दरदरा है ये, एकदम बारीक नहीं करना है, दरदरा ही रखना है थोड़ा। मसाले में मैंने डाला 1/2 टीस्पून काली मिर्च, कुटी मिर्च है, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए आप जितना मिर्च खाते हैं। थोड़ी लाल मिर्च भी डाला क्योंकि ये चटपटा अच्छा लगता है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए जितना तीखा खाते हैं। 1/2 टीस्पून का गरम मसाला, छोटी सी चमची है उससे आधी चमची डाला, टीस्पून नहीं है उससे बहुत छोटा है ये। एक चमची है भुने चने का आटा, सत्तू जिसे कहते हैं, एक चमची है सिर्फ। इसके हिसाब से कागजी नींबू है, इसमें बीज है इसलिए मैं चम्मच में निचोड़ रही हूँ। बस ये बीज निकाल के एक चमची है ये भी डाल दी मैंने। एक चमची है मायोनीज डाल दिया मैंने इसमें। एक चमची है घी डाला मैंने, देसी घी है ये। अभी मिलाऊंगी तो ये पिघल जाएगा, इसको हाथ से मिलाएंगे। रूखा कीमा है ये, मटन कीमा है रूखा बिल्कुल। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर ली। नमक एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग पैन में, ज़रा सा बना के देख लीजिएगा खा के। कच्चा तो नहीं खाया जाएगा, पैन में ज़रा सा एक छोटे पैन में बना के छोटा सा टिकिया आप लोग देख लीजिए नमक, और नमक कम हुआ तो फिर डाल लेंगे। मैं भी वही करने जा रही हूँ। अब ये अपने साइज़ जो भी रखना आपको अपने हिसाब से बना बना के, मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ मैं, अपने हिसाब से साइज देख लीजिए। इसी तरह मैं डालती चली जाऊँ। इसी तरह से गोल गोल करके साइज़ आप अपना हिसाब से देख लीजिए कितना बड़ा रखना है, और बना के डालते चले जाइए। फौरन गल जाता है ये, टाइम नहीं लगता, और दाल चावल के साथ तो बहुत अच्छा लगता है ये, पराठे के साथ अच्छा लगता है। अभी बना के मैं आपको दिखाती हूँ। इसको नॉर्मल गैस पे, सिम नहीं, सिम से थोड़ा सा तेज रख के आप लोग बनाइए। ये गल जाएगा, फौरन गल जाएगा। एक मिनट के लिए मैं ढक देती हूँ, वैसे बगैर ढके भी बन जाता है ये। अब इसको मैं पलट रही हूँ, लाल लाल करना है इसे।
दूसरे साइड से भी ढक दीजिए 2 मिनट के लिए। तेल में डाला मैंने, यह हमारा मटन कच्चे कीमे का टिकिया रेडी है। देखिए काफ़ी टेस्टी है ये, तो अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। हो गया ये देखिए, कलर चेंज हो गया ना, लाल लाल हो गया और बिल्कुल गल गया है ये। आप लोग देख लीजिएगा, टाइम तो मैं नहीं बता सकती कितना लगा है, तो आप लोग हम ज़रा सा चख के देख लीजिएगा गल गया नहीं गल गया, क्योंकि तो कीमा है गल जाता है। तो अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, और आप ज़्यादा लाल करना चाहते हैं तो और लाल कर लीजिए, मैं इतना ही रखूँगी। देखिए रेडी हो गया, एकदम बिल्कुल गल जाता है ये, मैं हाथ से तोड़ के आपको दिखा रही हूँ, देखिए एकदम गल जाता है ये। तो आप लोग इसको बना के खाइए जिस चीज़ से पसंद हो, मुझे तो ये दाल चावल और ये कच्चा टिकिया जो है अच्छा लगता है। आप लोग जिससे पसंद है वो खाए, आप लोग खाएँ, और बल्कि कबाब से ज़्यादा जो स्वामी को बनाते हैं मुझे उससे ज़्यादा ये पसंद है, क्योंकि ये चटपटा ज़्यादा होता है। तो आप लोग बना के खाइए और बताइए कैसे हमारे तरीके से और कैसा हुआ है। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भेजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।